जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लैपटॉप वाला। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आपको हफ्ते में एक बार तो अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कर लेना चाहिए, जैसे आप मोबाइल में रिस्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका जो चेच मेमोरी होती है हमारी, वो उसमें डिफ़ॉल्ट सेव रहती है तो वो क्लियर हो जाती है और आपको मोबाइल थोड़ा हैंग फ्री होता है। वैसे ही हमारे लैपटॉप में भी जो मेमोरी रह जाती है जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो रिस्टार्ट करने से हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो जो चेच मेमोरी आती है, वो साफ़ हो जाती है और उसकी वजह से हमारा लैपटॉप है वो हैंग नहीं होता है। तो आज मैं वैसे ही बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे करते हैं। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके लिए ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप विंडो 10 होगा आपका, तो यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाइए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पावर बटन जो दिखता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये यहाँ पर रिस्टार्ट लिखा है, यहाँ रिस्टार्ट पर क्लिक कर देते और हैं। ये रिस्टार्ट, और ये इस टाइप से प्रोसेस लेगा। तो इस टाइप से प्रोसेस थोड़ी टाइम लगेगा आपको, ने उसके बाद ये रिस्टार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा रिस्टार्ट ये कंप्लीट हो चुका। थोड़ी सी क्वालिटी लो दिख सकती है क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा इतना वो नहीं है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके इसमें आपको प्रोसेस पूरी दिख जाएगी। इसके अलावा आपको और कुछ बताने के लिए है नहीं मेरे पास, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये रिस्टार्ट होना कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, प्लीज़ वेट, हम वेट कर लेते हैं। और ये हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है, तो अब हम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं इसमें। और ये रिस्टार्ट, हमारी प्रोसेस कंप्लीट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अब स्टार्ट होएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और रिस्टार्ट कैसे करते हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा पाया होऊंगा। ये हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।